क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को बदलने के वाले कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 3.6 के दो प्रश्न को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी वही है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है। उसका तीसरा नंबर का सवाल करा रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन का तीसरा नंबर, तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 4x + 3y = 14 समीकरण नंबर 1, 3x - 4y = 23। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमको एक चीज x जो है वो बट्टा में दे रखा है, परंतु y बट्टा में नहीं है। x बट्टा में है, y बट्टा में नहीं है, तो माने किसको? x को ही केवल मानेंगे, y को तो मानने की जरूरत नहीं है। तो आप x को मान करके खाली बना सकते हैं, मतलब कि आपको क्या करना होगा, माना कि 1/x = u, बस u मान के कर सकते हैं। पर तो ये बात आता है, ये u रहेगा, ये y रहेगा, u और y का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, तो क्यों ना y को भी हम मान लेते हैं। मतलब कि y तो बट्टा में नहीं, तो y को बिना बट्टा के ही मान लिया जाए। मतलब y बराबर आपने क्या मान लिया, v। याद रखिएगा y बराबर v माना है, 1/y बराबर नहीं माना है, क्योंकि y ऊपर है। मतलब y बराबर आपने क्या मान लिया, v। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन यू बी का बना रहे, इस वजह से हमने ये मान लिया। वैसे आप बिना माने भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम काहे करें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, साफ सुथरा लगेगा, तो हमने यू और बी मान लिया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण एक को हम रखते हैं, 4/x है, तो 4v हो जाए यू, 4u हो जाए प्लस 3y के ऊपर है, तो v तो y के बराबर माना गया है, मतलब 3v = 14। समीकरण नंबर 3, फिर 3u - 4v = 23। समीकरण नंबर 4, हमें 3 और 4 प्राप्त हो गया। 3 और 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। किसको बराबर करेंगे, इसमें अगर 3 से गुणा करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे, तो बराबर हो जाएगा। और अगर इन दोनों को बराबर करना है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से कर दो, तो हम अंदर वाले को पूरा करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, चलिए भी गुणा किए, तीन इसमें किसे करना है, समीकरण 3 में 4 से, 4 से गुणा करिए, 4 चौका 16 यू प्लस 4 3 12 वी बराबर 14, 4 से 14 चौका 56। समीकरण नंबर 5, फिर क्या इसमें 3 से गुणा करना है, 3 3 का 9 यू माइनस 3 चौका 12 वी बराबर 23 किया, 23 किया ना, समीकरण नंबर कितना हो गया 6। समीकरण 5 और 6 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 5 को 6 से, समीकरण 6 से मतलब 5 नहीं जोड़ने पर ना होगा, ये दोनों बराबर है, परंतु चिन्ह एक अलग अलग है, तो जोड़ने पर समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, चलिए भी जोड़ा जाए, समीकरण 5 क्या है, 16 u प्लस 12 b बराबर 56, और ये क्या है, 9 u माइनस 12 b बराबर 69। जोड़ा जाएगा तो ये 16 9 कितना हो गया, 25 u, ये दोनों तो कट गया, और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 9 6 15 5 ऐसे 6 1 7 5 12, मतलब u बराबर कितना हो गया, 125 और बट्टा में 25, मतलब u बराबर कितना आ गया 5। जब u का मान आ गया 5, तो u का मान कहां रखने पर, u का मान समीकरण कौन से में रखा जाए, u इसी में है, समीकरण 3 में रखने पर बिल्कुल ध्यान से रखा जाए, 3 क्या है, याद रखें 3 क्या है, 4 × u का मान, तो पहले लिख देते हैं 4u + 3v = 14, यही समीकरण नंबर 3। चलिए कि 4u का मान 5 प्लस 3 v
बी बराबर 14 है, चार बचे 20 प्लस 3 बी बराबर 14 है, 3 बी बराबर 14 है और ये इधर आके माइनस का 20 हो गया, 3 बी बराबर 14 में से 20 लिया माइनस का 6, बी बराबर माइनस का 6 बटा 3, बी बराबर माइनस का 2, बी का मान कितना आ गया माइनस का 2, अतः हमने यू बराबर कितना मान प्राप्त किया यू बराबर 5 और बी बराबर माइनस का 2। तो यू क्या माना था हमने, 1 बटा एक्स माना था, तो 1 बटा एक्स बराबर यू और 1 बटा नहीं 1 बटा नहीं यहाँ तो यू याद रखिएगा अभी गड़बड़ा जाता है, वाई बराबर बी माना था हमने, तो 1 बटा एक्स बराबर यू का मान 5 और वाई बराबर बी का मान माइनस का 2, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 5 और वाई बराबर माइनस का 2, यही हो गया हमारा इक्वेशन, एक्स का मान 1 बटा 5 और वाई का मान माइनस का 2, क्लियर है, ठीक है। आप इसका जांच भी कर सकते हैं, जांच के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसको आप लोग देख करके इसका आप जांच भी कर सकते हैं कि कैसे सबका जांच किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आपको जो चीज बटा में आप उसको मान लीजिए, मान करके आप आराम से विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें वैसे ही सेम टू सेम मानना होगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से उसको बना लीजिएगा और सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 5 बटा एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर 2 और 6 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटा वाई माइनस 2 बराबर 1, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ देख रहे हैं एक्स माइनस 1 बट्टा में यहाँ पे भी है और एक्स माइनस 1 यहाँ पे भी है, मतलब एक्स माइनस 1 दोनों में है बट्टा में है, तो ये मान सकते हैं। तो मान लिए थे, माना कि 1 बट्टा एक्स माइनस 1 बराबर कितना यू, ठीक है। एक तो मान लिया, दूसरा देखिए यहाँ देख रहे हैं वाई माइनस 2 यहाँ पे भी है वाई माइनस 2 यहाँ पे, मतलब ये बट्टा में है, मतलब सेम टू सेम है, अर्थात 1 बट्टा वाई माइनस 2 बराबर, मतलब जो चीज हो जैसे रूप में हो वैसे रूप में मान लीजिए, ठीक है। अब इस मान को कहां रखिए, यहां रखिए 5 x माइनस 1, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5 u प्लस इसकी जगह पे कीजिएगा 1 बटा इसकी जगह पे, तो डायरेक्ट तो u है यहां 1 है, तो 1 की जगह तो कुछ नहीं, 1 बटा इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा v बराबर 2 और यहां हो जाएगा 6 इसकी जगह पे u माइनस 3 और 1 बटा वाई माइनस 2 की जगह पे बी बराबर 1, समीकरण नंबर 3 समीकरण 4, हमें 3 और समीकरण 4 प्राप्त हो चुका है। 3 और 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बी और बी का मान निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ 5 है या 6 है, पर यहाँ 1 है यहाँ 3 है, मतलब ये आसान है, ये आसान क्या है, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, चलिए भी गुणा कीजिए, 3 बचे 15 यू प्लस 3 में बी से 3 बी बराबर 3 गुना 6, समीकरण नंबर कितना आ गया 5, हमें 3 4 3 से क्या प्राप्त हो गया 5। अब देखते दोनों सेम है, मतलब घटक माइनस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, मतलब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हिंदी, विलोपन विधि आना चाहिए आप लोग को, विलोपन विधि नहीं आता तो पहले वीडियो पीछे वाला देखेंगे विलोपन विधि के लिए। समीकरण 3 और 5 को 3 नहीं सॉरी 4 और 5 को जोड़ने पर, ठीक है जोड़ा जाए 4 क्या है 4 6 यू माइनस 3 भी बराबर 1, ये था 4 और 5 क्या है 15 यू प्लस 3 भी बराबर 6, समीकरण नंबर 5, ये हो गया प्लस तो ये हो गया माइनस, जोड़ा जा रहा है जोड़ने में कुछ चेंज नहीं होता है, 15 6 21 यू ये तो कट गया, ये प्लस 1 माइनस 6 और 1 7 यू बराबर 7 बट्टा 1 का 1, यू बराबर 7 एकम 7 7 एक का 1 7 1 बट्टा 3, यू का मान कितना आ गया 1 बट्टा 3, यू का मान किस में रखने पर कहां रखा जाए 3 में रखा जाए
चार में जिसमें भी रखा है तीन में रखते, तो यू का मान समीकरण तीन में रखने पर, चलिए तीन क्या है भाई, पांच यू प्लस भी बराबर दो, यही है। पांच यू का मान कितना है, एक बटा तीन गुणा में एक बटा तीन प्लस भी बराबर दो, तो बटा अगर है पांच एकम पांच बटा तीन प्लस भी बराबर दो, तो भी बराबर क्या हो जाएगा दो, ये प्लस का जगह क्या हो जाएगा माइनस का पांच बटा तीन, भी बराबर लघुत्तम निकाला गया तीन आया, तीन गुना छ माइनस पांच बटा तीन, भी बराबर छ में से पांच गया एक बटा तीन, यू का मान भी एक बटा तीन, अब भी का मान भी एक बटा तीन, यू का मान भी एक बटा तीन आ गया, भी का मान भी कितना आ गया एक बटा तीन। अब इस मान को कहां रखने पर, जो हमने माना था उसमें, इसलिए U बराबर कितना है एक बटा तीन और V बराबर कितना है एक बटा तीन, तो U का U क्या मानने थे हम लोगों ने एक बटा X माइनस वन, यही माने थे, बराबर आपने क्या माना था U और एक बटा Y माइनस टू बराबर क्या माना था, सॉरी ये V है V, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले इसको रख दें, U का मान एक बटा तीन और यहां पर भी का मान रख देते हैं एक बटा तीन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तीन एकम तीन, मतलब एक्स माइनस वन बराबर तीन एकम तीन, इधर करेंगे तो वाई माइनस दो बराबर क्या हो जाएगा तीन, एक्स बराबर तीन माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का एक, तीन अरे क्या हो जाएगा चार, और यहां पर वाई बराबर तीन और माइनस का दो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का दो, तीन और दो पांच, अर्थात x का मान कितना गया चार आ गया, y का मान कितना गया पांच, यही हमारा आंसर हो गया, x का मान चार और y का मान पांच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो समाप्त हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हो गया, इसके बाद हम लोग होमवर्क देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आ रही है जहां आ रही है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कहां प्रॉब्लम आ रही है, बस आपको मानना है जैसे जैसे दे रखा है उसी तरह आपको मानना है, मान के यू और बी से आपको मान एक्स और वाई, यू और बी का पहले मान प्राप्त करना है विलोपन विधि से, और प्राप्त करने पर एक्स और वाई का मान प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो एक्स का मान यहाँ चार, वाई का मान पांच, यहाँ तो क्लियर है, आगे देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है, होमवर्क है, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है होमवर्क की। तो आज का जो हमारा होमवर्क है वो दो क्वेश्चन मैंने आपको जो कराए थे उसी टाइप के दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जिसको आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप में भेजिएगा। पहला है तीन बटा रूट एक्स माइनस दो बटा रूट वाई बराबर वन, और इसका दूसरा इक्वेशन है दो बटा रूट एक्स प्लस तीन बटा रूट वाई बराबर पांच, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है। दूसरा सवाल है तीन बटा एक्स माइनस वन प्लस दो बटा वाई प्लस वन बराबर पांच बटा तीन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और चार बटा एक्स माइनस वन माइनस पांच बटा वाई प्लस वन बराबर है माइनस एक बटा तीन, इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। तो दोनों इक्वेशन है, दोनों आपको दिया गया है वैसे थे मानिएगा, और तो याद रखिएगा यहाँ वाई प्लस वन दे रखा हो तो थोड़ा सा दिमाग रखिएगा आगे काम आएगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से इसको मान करके बनाइएगा जैसे जैसे अभी मैंने बनाया था। तो अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम भी आ रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरह बना लेंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।